और चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में हरीडा की बैठक हुई। अध्यक्षता डिप्टी सीएम की ओर से की गई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम का बयान भी आया। उनकी ओर से कहा गया कि पीएम ग्रामीण सड़क योजना फेज थ्री की रिव्यू मीटिंग हुई है। फेज थ्री में 56 सड़कें और इस पर 282 करोड़ रुपए की लागत होगी, जिन पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 78 सड़कें ऐसी हैं जो पेंडिंग हैं, उन सभी का 2023 के अंदर निर्माण कम्प्लीट हो, ये लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि अब सरकार ने फैसला लिया है कि केंद्र के रिटायर्ड कर्मचारियों को एम्पैनल कर गुणवत्ता पर नजर रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि करनाल एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा, रनवे में 1000 मीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। तो कई अहम विषयों को लेकर डिप्टी सीएम ने जानकारी दी। क्या कुछ कहा के सुनिए। वहां पर हमारी पीएमजीएसवाई 3 की सड़कों को बड़ा डैमेज आया है, तो हम उनको आज पत्र भी लिख देंगे, केंद्र से ये मांग भी कर लेंगे कि तुरंत इसके लिए भी हमें एडिशनल फंड दिए जाएं कि एटलीस्ट वो जो आधा आधा किलोमीटर दोनों तरफ किसी भी एंट्री एग्जिट के वर्ज के होता है उसको दुरुस्त करने के लिए हमें इमीडिएट फंड दिए जाए। साथ में एक समस्या और आई थी कि कई ऐसी सड़कें हैं जो स्टेट क्वालिटी मैनेजर जो हमारे होते हैं वो नेशनल क्वालिटी मैनेजर के नॉर्म से मिसमैच करते हैं। उसके ऊपर लगभग 96 कंप्लेंट इस बार हमारे पास आई है, तो अब हमने ये बोर्ड में आज निर्णय लिया है कि हम आने वाले समय में इस चीज़ को NQM के जो इम्पैनल्ड लोग हैं, क्योंकि SQM में अधिकतम लोग ऐसे हैं जो स्टेट के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो क्लैरिटी नहीं है जो NQM के रिटायर्ड लोगों के पैनल में है, तो अब हम NQM के भी रिटायर्ड लोगों को इसमें इम्पैनल करेंगे, जो आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की क्वालिटी मॉनिटरिंग है उसको और बेहतर नेशनल लेवल के मैग्नीट्यूड पे हम कर पाए। साथ में सिविल एविएशन के रिव्यू था जो हिसार एयरपोर्ट का था, उसके अंदर एक दिक्कत आ रही थी क्योंकि एक तो हमारी जो रोड एयरपोर्ट के अंदर से निकल रही है अब उसको बंद करने का समय आ चुका है, तो उसके अंदर अब हैवी ट्रैफिक को इमीडिएटली उस पर बंद कर दिया जाएगा, और क्योंकि लोकल लोगों की डिमांड है ऑल्टरनेटिव रोड्स हमने डेवलप कर दिए हैं तो उस पर धीरे धीरे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा कि जो हमारा बाउंड्री वॉल का काम है और पुराने रनवे को नए रनवे तक लिंकेज का काम है उसको जल्द से जल्द टेकअप।